आप देख रहे हैं क्रिस संदेश न्यूज, कलम की ताकत। नमस्कार, मैं मदन लाल और आप देख रहे हैं क्रिस संदेश न्यूज। बांसवाड़ा गड्डी खोडन मुख्य बस स्टैंड पर बस स्टैंड भवन के अंदर बारिश के दिनों में लोग छाता लेकर खड़े रहने को है मजबूर। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि बांसवाड़ा जिले के गड्डी ब्लॉक के ग्राम पंचायत खोडन में मुख्य बस स्टैंड पर बस स्टैंड भवन होने के बावजूद पंचायत की अनदेखी के कारण बारिश के दिनों में बस स्टैंड भवन के अंदर छाता लेकर खड़ा रहना पड़ता है, तो बिगर छाता वालों को आसपास की दुकानदारों के छत का आश्रय लेना पड़ता है। जब हमारे रिपोर्टर ने बस स्टैंड भवन का जायजा लिया तो हालात कुछ इस तरह नजर आए। बस स्टैंड भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, पूरे बस स्टैंड भवन में पानी भरा हुआ है तो छतों से पानी टपक रहा है, दीवारों पर नील जम गई है तो बस स्टैंड भवन के ऊपर घास उगी हुई है। कुछ लोग गिरती बारिश में बस स्टैंड भवन के अंदर छाता लेकर खड़े रहते हैं। बस स्टैंड के हालात देख पंचायत में जाकर सरपंच महोदया से भवन के बारे में हाल जानना चाहा तो सरपंच महोदया ने कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलने व चुप रहने में अपनी भलाई समझी। वह भवन के बारे में कुछ नहीं बताया, जिस पर बस स्टैंड पर खड़े ग्रामीण व दुकानदार से बात करना चाही तो दुकानदार व ग्रामीणों ने क्या कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सोनी नाम है। क्या प्रॉब्लम है सर? यहाँ अरे यार नालिया, ये बिल्कुल हमारे हाथ से अपने परसों शाम को साफ किए, कम से कम आधी टोली वो निकाली कीचड़, और हमने कितने जनों ने राजमल जैन पुरुषोत्तम जोड़ी और कई सारे चार पांच छह जनों ने किशोर ये होटल वाला बेचारा सबने हाथ से साफ किए, कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ। सामने बस स्टेशन जर्जर हो रहा है, सुनवाई नहीं है किसी बात की, और हमको गेहूँ भी नहीं मिल रहे। आज कई दिनों से हम परेशान हो रहे हैं, भाई हमको खाद्य सामग्री में गेहूँ नहीं मिल रहे, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। सर ये बस स्टैंड भवन भी जैसे जर्जर हो रहा था, उसमें आपने पंचायत में अवगत करवाया था? कई बार, एक बार नहीं कई बार गए, मैंने कहा भाई यहाँ तो ये बस स्टेशन पे न तो कोई विकास समिति की ये दुकान है, न कोई किराए का ठिकाना है, न कोई मालिक वो ही बन के बैठे हैं, न कोई हिसाब ध्यान ही नहीं दे रही है, और बेचारे पैसेंजर को बैठने के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। 10 बार मैंने पंचायत में जाके बोला है, यहाँ बड़ा हादसा होने वाला है, और ये बस स्टेशन भी बिल्कुल खत्म हो गया है, एकदम कई वर्षों से बना है, आप देख लो अपने हाथ से पूरा अंदर खंडर हो चुका है। बनने के बाद पंचायत ने इस ओर ध्यान दिया ही नहीं? हाँ, बस स्टैंड भवन बनने के बाद पंचायत ने इस ओर ध्यान दिया ही नहीं? बस स्टेशन से ये तो कब से बना है नहीं, ये सचिन जी तो अभी आए, पहले अगली पंचायत थी उन्होंने ही कोई ध्यान नहीं दिया, और इन्होंने भी ये दिनेश जी को कहा था, दिनेश जी ने कहा कि हाँ मैं करवा देता हूँ, लेकिन अब दिनेश जी भी कब कर रहा है, आगे से बजट क्या मालूम कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं नहीं कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे जैसा बजट आता अपने हिसाब से सब स्वाहा करने में ही लगे हुए हैं, किसी को गांव की कुछ भी पड़ी हुई नहीं है। सरपंच साहब आप बताइए, आपका खोड़न बस स्टैंड जैसे जर्जर बन चुका है, ग्रामीण आरोप लगा रहे कई बार पंचायत में अवगत करवाए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? खोड़न के निवासी। सर बताइए, बस स्टैंड का जैसे ये बारिश के दिनों में लोग छाता लेकर खड़े रहने को मजबूर है? अरे वो तो पूरा जर्जर हो रहा है और गिरने वाला है चंद दिन में, और लोग मर जाएंगे थोड़े दिन में, ये पंचायत वंचायत को ध्यान नहीं दे रही। आपने पंचायत में अवगत करवाया था? तो कई बार करवाया तो सुनते ही नहीं, नालियों के बारे में नहीं सुनते, नालियाँ भी ऐसे कैसे सड़ी नहीं पड़ी, पानी आगे नहीं जा रहा, कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता है, बोलता पेपर में दो और पेपर वाले करवाएंगे, ऐसा जवाब देते हैं हम, जब मीडिया वाला करवाएंगे जवाब, हाँ और क्या, कहना ही बंद कर दिया हमने तो, लोग मर जाएंगे ना भाई। आपका नाम क्या है? सर आप क्या कहना चाहेंगे? यह भी यही स्थिति है कि बारिश में कई लोगों को खड़ा रहने के लिए जगह नहीं है, और पूरा बस स्टैंड है पानी से जर्जर है, पानी के बचाव से वहाँ घुस जाते हैं, पानी के बचाव से हर कोई वहाँ घुस जाता है, वो तो गिरने वाला है ऊपर, न मालूम कितना लोग मर जाएगा, कुछ कह थोड़ी सकते हैं इस बात।